दोस्तों मेरे पास आया हुआ है सुजुकी एसएस जैसे BS6। कभी आपको गाड़ी में बटन लगाना है, जैसे ये तो गाड़ी डायरेक्ट चालू होता है, जैसे आप चाबी चालू कर दिए, चाबी चालू करने के बाद आपकी गाड़ी का हेडलाइट डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट मतलब कंटिन्यू चालू रहता है। अगर आपको उसको बंद करना है, बटन पे रखना है, तो आप किस तरीके उसको वायरिंग का काम कर सकते हो, जो नेक्स्ट वीडियो आ रही हो, वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। BS6 गाड़ी कोई भी गाड़ी कर सकते हो, जो इस ये वीडियो के अंदर जो तरीका मैंने बताया हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, कोई भी गाड़ी में आप कर सकते हो। BS6 में ये आगे का हेडलाइट अभी बंद है, चाबी चालू है, आपको हॉर्न बजाकर सुना था। कभी भी गाड़ी में देखना, चाबी चालू करने के बाद हेडलाइट चालू हो जाता है, तो इसको आप इस बटन कैसे लगा सकते हैं जो बटन से चालू होना चाहिए। तो बटन लगाने का जो तरीका होता है, मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। अभी देखिए हॉर्न सब बज रहा है, ये देखिए इंडिकेटर भी चालू है। तो आज इसको बटन से, समझ लो बाई चांस कोई कस्टमर ने आप लोग को बोला, या कस्टमर खुद काम कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो थ्रू बहुत ईजी से वायरिंग का काम कर सकते हैं, बहुत ईजी है वायरिंग करने में। अभी इसमें बटन देख लीजिए कौन से बटन इसमें लगा हुआ है, देख लीजिए ये बटन इधर लगा हुआ है बंद करने का, चालू करने का। अभी देखिए हमने यहाँ चालू कर दिए हुए है, ये देखिए ये चालू हो गया हुआ है। इसका वायरिंग करने का जो तरीका होता है, आपको मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, बहुत इजी है वायरिंग करने का। वायरिंग का तरीका यह है कि यहाँ देखिए एक काला कलर का, ब्लैक कलर का वायर लगा हुआ है, आपको ये वायरिंग यहाँ से निकालना है या थोड़ा दूर से कट करना है, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है कैसे काम करना है। और दूसरा जो होता है यहाँ इधर भी जो ब्लैक और वाइट कलर का वायर होता है, ये भी अर्थिंग वायर है, यहाँ से भी निकला हुआ है, समझ लो यहाँ से भी निकाल चुके हुए हैं। यहाँ देखिए एक वायर लगा हुआ है, एक वायर यहाँ लगा हुआ है, एक इसका लगा हुआ है, देख लीजिए ब्रेक स्विच का लगा हुआ है, देखिए ये ब्रेक स्विच बोला, सॉरी अपना ये इसका ऑन ऑफ बटन, जो ऑन ऑफ बटन है उसमें लगा हुआ है, ये ब्रेक स्विच का वायर नहीं है, ये है अर्थिंग का, यहाँ से अर्थिंग मिलता है और यहाँ से अर्थिंग मिलता है, देख लीजिए। इसमें अच्छे से अगर देखने जाएंगे तो वाइट और ब्लैक, ब्लैक सफ़ेद और काला कलर का वायर है, और आपको यहाँ दिखेगा ये खाली बीच से आपको कट करना है, यहाँ से और इधर से, ये आप इसको निकाल सकते हो, देखो ये जिसे इसको निकाल के रखे हुए हैं। कभी आपको डायरेक्ट चाहिए तो अगर दोनों ज्वाइंट कर दोगे, एक कनेक्शन निकाल दोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे आप चाबी चालू करोगे तो इसे आपका हेडलाइट चालू हो जाएगा। तो ये अभी बटन के ऊपर किया हुआ, इसे आप बहुत ईजी से बटन के ऊपर कर सकते हो। अभी देखिए हम चालू कर रहे हैं वापस, ये देखिए चालू हो गया हुआ है, ये देखिए चालू होने के बाद ये अपर डिपर भी होता है, देख लीजिए, और जैसे लाइट बंद करेंगे तो बंद हो जाता है, अभी ऑन दबाओ चालू है। इसी तरीके आप इसको वायरिंग को कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं कल घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा।